अधीक्षक बागपत शैलेश कुमार पांडे ने अपने कार्यालय में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि बागपत कोतवाली पुलिस द्वारा गौरीपुर मोड़ पर वाहन चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक बाइक पर तीन युवक आए। पुलिस ने उनसे बाइक के कब्जात पूछे तो वह संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। शक होने पर तीनों युवकों को पुलिस बागपत कोतवाली ले आई और कड़ी पूछताछ करते हुए सारा राज पास हो गया। गिरफ्तार तीनों अभियुक्तों के नाम लाला उर्फ सुनील पुत्र हरबीर काले पुत्र जसवीर राजकुमार पुत्र जगदीश तीनों एक ही गांव के रहने वाले हैं। गांव ढिकोली थाना चांदी नगर जिला बागपत है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने कड़ी पूछताछ की तो अभियुक्तों ने सारा राजभाषा खोल दिया। उन्होंने बताया कि वे दिल्ली नोएडा गाजियाबाद मेरठ बागपत शामली जनपदों के अस्पतालों तथा कचहरी परिसर से ये लोग मोटरसाइकिल की चोरी कर रहे थे और अन्य जनपदों से आए व्यक्तियों को बेच देते थे तथा पैसा कमाने के लिए ये लोग बाइक की चोरी करते थे। पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडे ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर चोर हैं तथा अंतर राज्य बाइक चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार करके बागपत कोतवाली पुलिस ने सराहनीय कार्य किया है। इनके अन्य साथियों की तलाश की जाएगी। चांदी नगर थाना क्षेत्र बरीगांव के मामले में इनसे और भी हमारे पास काम कर रहे हैं। इनसे जो अभी काफ़ी पूछताछ हुई थी उसमें जो पूछताछ में है उसमें ये पता चला कि सरकारी ऑफिसर को टारगेट करते थे। सी सी जिला अस्पताल या अन्य सरकारी प्रतिष्ठान जहाँ अमूमन रोज काफ़ी संख्या में लोग आते हैं वैसे जगहों को विशेष कर टारगेट करते थे। जो 15 बाइक्स बरामद हुई छह विभिन्न मुकदमों में बैंक हो चुके हैं। ये जैसा मैंने बताया ये एक अंतर्राज्यीय गिरोह इन्होंने दिल्ली शामली बागपत जो 6 मुकदमे कनेक्ट हुए वो दिल्ली के बागपत और शामली हैं। बाकी बाइक्स का भी हम लोग पता करा रहे हैं कहाँ से ये चोरी है जो कि गई पास बाइक्स वगैरह मास्क बराबर अब इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री खंगाली जा रही है। जैसा आपने बताया इसमें 3 बाइक बरामद हुई जो दिल्ली में चोरी हुई एक शामली में चोरी हुई वो यहाँ की थी। अभी और जो बाइक्स हैं कई बिना नंबर प्लेट की उनके इंजन नंबर 33 नंबर से जो बाइक की ओनर का पता लगा थी और सर ये इनके जो प्रीवियस क्रिमिनल हिस्ट्री उसके बारे में भी सर ये बाइक जो क्यों क्राइम करते थे हमें बेचते थे कितने ही बेचते थे मार्केट इनको चुराने के बाद लोगों को बेचते थे इनसे कबाड़ियों को भी बेचे जाने के बारे में और जो बाइक है उस पर डिपेंड करता है 15,000 से लेकर 5,000 उनके द्वारा अभी इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री बताई जा रही है पता की जा रही है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही